गाइस, मैं हूँ स्नेह अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12, डेट इज़ फ्रिक्शन। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन होता क्या है, क्योंकि जब मैं आपको जो चैप्टर है वो लाइन बाई लाइन रीड करवाऊंगी, बट अगर मैं वो रीड करा रही हूँ तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट डज द वर्ड फ्रिक्शन मीन, है ना। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जो मोशन को अपोज करता है, ठीक है, मोशन को अपोज करता है, जो एक ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन भी एक हमारी फोर्स है, बट व्हाट इज अ फ्रिक्शन, जो मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अब मोशन और को मोशन क्या होता है, उसको अपोज कैसे करती है, वो सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस पे ये रखी है एक बॉडी जिसका मास मैं बोल रही हूँ, इसका मास है आपका 10 kg, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे ना आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपने क्या किया, इस बॉक्स को किया पुश, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब आपने बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश किया होगा तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है जिसका वेट 10 kg है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करना डैट इज़ मोशन, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया चल कि मोशन जो है वो इधर हो रहा है, बट जिधर मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मोशन को अपोज करता है, फोर्स को अपोज करता है, तो अगर मोशन इधर है तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर और मोशन इधर, बस इसी को हम क्या कहते हैं, इस फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया होगा, होप, अगर नहीं आया तो कोई नहीं, अभी हम आगे पूरा चैप्टर रीड करेंगे, धीरे धीरे आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम आगे चैप्टर को रीड करते हैं। तो आपने जैसे कि बहुत बार देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है कार के या ट्रक के, वो ना अपनी जो मतलब ट्रक की जो स्पीड है उसको कम कर लेते हैं, कब, जब ट्रैफिक सिग्नल होता है ना। और आप भी, इनफैक्ट कोई भी जो भी होगा वो एकदम ब्रेक अप्लाई कर देगा जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होगा, है ना, मतलब रेड होगा अगर वहाँ पे, तो आप अपनी व्हीकल को ऑलवेज मतलब धीरे कर देंगे और स्टॉप कर देंगे, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारी ओनली व्हीकल्स एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि सारे ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहे होंगे किसी सर्फेस के ऊपर, वो क्या होंगे, रुक जाएंगे जब फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना। जैसे कि ये सर्फेस है, ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस पर ये ऑब्जेक्ट है, जब तक ये ऐसे ही रखा है मैंने, इस पर जब तक धक्का यानी फोर्स नहीं लगाया, पुश और पुल यानी फोर्स होता है ना, तो जब तक मैं पुश और पुल नहीं कर रही हूँ, फोर्स नहीं लगा रही हूँ, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। तो सिमिलरली वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारा मोशन या फोर्स होगा, लगेगी फोर्स, तभी बॉडी मूव करेगी, और तब तक वो ऐसी स्टॉप रहेगी, ठीक है। अच्छा, देन इन्होंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, तो है ना वही फोर्स की क्या हो रही है। अब देखिए, जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये बुक्स यहाँ रखी थी, ठीक है, यानी ये पहले यहाँ थी, फिर इन्होंने इसको जब इसे धक्का मारा तो ये बुक कहाँ गई, इधर। तो इससे क्या हुआ कि बुक जो थी वो इधर हुई, है ना, मोशन किधर हुआ, मोशन इस डायरेक्शन में हुआ, बट जो फ्रिक्शन थी उसने अपोज कर दिया रिलेटिव मोशन को बिटवीन द सरफेस को, जो सरफेस को एंड सरफेस जो है बुक का उसको एंड द टेबल के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन किधर हुआ होगा, इधर, ठीक है। ओके, नाउ वेट अ सेकंड। ओके, यू सो डैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, राइट, और अगर फोर्स आपने राइट में लगाई है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, लेफ्ट। मतलब कि फोर्स जो है, या मोशन बोल लो, तो वो हमेशा अपोज कर, मतलब फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग नोट्स में पहले फ्रिक्शन डालिए, और फ्रिक्शन के नीचे सबसे पहले ये डाल दीजिए लाइन कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्रिक्शन है क्या वो सेम है हर सरफेस पे,
अब सरफेस क्या होता है, सरफेस वो होता है जिस पे आपने अपना सामान रखा हुआ है, ठीक है। लाइक हमारी जो टेबल थी जिस पे हमने बुक रखी थी, जो एग्जांपल हमने देखा तो उसमें क्या था, एक बुक का सरफेस और एक टेबल, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगी होगी, है ना। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो फ्रिक्शन है क्या वो हर सरफेस पर, मतलब कि जो हमारा रफ सरफेस होता है और जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है, दोनों पर क्या फ्रिक्शन। हाँ जी, तो जो फ्रिक्शन है क्या वो रफ और स्मूथ बोथ सरफेसेस पे वर्क करेगी, नहीं, मतलब सेम होगी, नहीं। तो क्यों सेम नहीं होगी और किस पे ज़्यादा होगी और किस पे कम होगी, ये अब हम देखते हैं। बट पहले मैं ये बता दूँ कि रफ़ सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो मोर होती है, मतलब ज़्यादा होती है, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख ले, और क्यों होती है वो भी मैं भी आपको बस कुछ सेकेंड्स में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो होप आपने लिख लिया होगा, आई एम रविंग इट। ओके, सो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है रफ और स्मूथ के बारे में। तो देखिए, फ्रिक्शन जो है वो कॉज्ड होती है बाय इररेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो कब होती है, जब सरफेस में इररेगुलरिटी हो। इररेगुलरिटी मतलब कि उबड़ खाबड़ टाइप, है ना, लाइक रफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर नीचे इस तरीके से रफ हो, ठीक है, और ये हमारा होता है स्मूथ, ठीक है। सो Even those surfaces which appear very smooth have large number of minute irregularities on them. Irregularities on two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have applied a force to overcome interlocking. ठीक है, now देखिए, जो हमारा rough surface है उसके पास क्या है, irregularity ज़्यादा है, और friction जो है वो irregularity की वजह से cause होती है। तो अभी मैंने बताया आपको जैसे कि जहाँ रफ सरफेस है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ इररेगुलरिटीज़, ठीक है। और नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज़ जो है वो रफ सरफेस में ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है इन रफ सरफेसेस में। ओके, सो When we see the friction is caused by interlocking of irregularities in two surfaces, it is obvious कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो रही है ना, जब इरेगुलरिटी है यानी रफ है और यानी फ्रिक्शन ज़्यादा है। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर लें, तो जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्रैगिंग अ मैट विच व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, है ना। देखिए, जब आप जैसे ये मैट रखा है, ठीक है, ये मैट है और इस पर अभी कोई नहीं बैठा और आप इसे ड्रैग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इजीली ड्रैग हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि स्मूथ है एकदम, ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि इस पर अगर आप बैठ जाएं और देन आपका कोई भी आपका दोस्त है या भाई बहन है, अगर वो तब इस मैट को खींचे तो हिला तो पाएगा, मूव, मतलब ड्रैग तो कर पाएगा, बट इतना ईजिली नहीं, इरेगुलरिटी होगी, थोड़ा टफ होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रफ होगा थोड़ा, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी ज़्यादा खिसकेगा कभी कम खिसकेगा, है ना, इरेगुलरिटी आ रही है, ऊबर खाबर टाइप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और फ्रिक्शन किधर होगी, अगर आपका भाई इधर खींच रहा है आपको, तो मोशन किधर हो रहा है, इधर फोर्स किधर लग रही है, इधर, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इस साइड आपका फ्रिक्शन होगा। ओके, सो जैसे कि आपने एक और एग्जांपल देखा ही होगा कि जब हम बॉक्स को मूव करते हैं तो वो इजीली होगा जब हम बॉक्स को एक स्मूथ पे कर रहे हैं, ठीक है। और जब ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसे बॉक्स रखा है तो कभी बॉक्स जाएगा, है ना, इजीली हो जाएगा, फिर कभी गड्ढे में घुस गया फिर जाएगा, फिर यहाँ पे बॉक्स आ गया, ठीक है, फिर यहाँ गड्ढा, फिर आगे जाएगा, मुश्किल से होगा, है ना। तो इसलिए इररेगुलरिटी ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो हमारा नेल होता है ना, नेल, ये जैसे कि ये फिक्स ही होता है इसमें बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि रफ सरफेस होता है ना, ये सब एक का जो मतलब जहाँ पे भी आप जो भी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं सब में फिजिक्स है, और फिजिक्स है फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में। ओके, नाउ If an object started moving, it would never stop if there were no friction. ठीक है, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, और इस पर क्या है, एक बॉडी है, अब उस पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये कैसे कर रहा है, सिर्फ मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये रुक नहीं रहा है, तो अगर इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अब मैं बोल रही हूँ कि इस पर फ्रिक्शन लगी नहीं रही है,
ठीक है, फ्रिक्शन ज़ीरो है, मतलब फ्रिक्शन लग ही नहीं रही, अब फ्रिक्शन नहीं लग रही है मतलब कि बॉडी जो है वो मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब क्या है? अपोज करना, मतलब इस बॉडी को रोकना ही तो काम है फ्रिक्शन का। यानी जहाँ पे भी फोर्स हो रही है, मोशन हो रहा है, उसको रोकना फ्रिक्शन का काम है, अपोज करना। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी कभी स्टॉप ही नहीं होगी, वो चलती जाएगी, चलती जाएगी। ओके, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग वुड बी कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बिल्डिंग क्या होगी? कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगी। बॉडी जो इस जो बिल्डिंग है वो एक सरफेस पे, ज़मीन पे रुकी हुई है, तो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बिल्डिंग क्या होगी? खिसक जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अभी थोड़ा आपको अजीब लगा होगा कि बिल्डिंग कैसे खिसक जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं हुई, है ना? ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, आपको हायर क्लासेस में खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, ना फ्रिक्शन जो है वो अभी तक तो हमने देखा कि वो अच्छे ही काम करता है ना, मतलब एक तरह से ठीक है, बुरा नहीं है फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन जो है वो एक तरह से बुरा भी है और अच्छा भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट वेयर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। जैसे कि शूज़ जो हैं वो कभी फट वट जाते हैं या ऐसे टाइप के हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, तो एक तरह से लॉस भी है, है ना? नाउ आपने देखा होगा फ्रिक्शन जो है, आपको चलो मैं बताती हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। हीट कैसे प्रोड्यूस करती है फ्रिक्शन? कि अगर आप अपनी दोनों पाम्स को रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, ठीक है, और मतलब जहाँ पे भी हीट होगी वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ अगर आप मैचस्टिक को स्ट्राइक करेंगे रफ सरफेस, तो वो फायर पकड़ लेता है। इसका जीते जाता एग्जाम्पल क्या है? माचिस का ये बॉक्स, है ना? आपने कभी ये सोचा है जो बॉक्स होता है माचिस का, उसमें से जो हम तिल्ली निकालते हैं और फिर उसमें आग लगाते हैं, तो उसमें फायर क्यों लग जाती है? उसमें आग क्यों लग जाती है? वो इसलिए क्योंकि देखिए माचिस का सरफेस कैसा होता है? रफ। अब रफ है सरफेस तो फ्रिक्शन क्या होगी? थोड़ी सी तो फ्रिक्शन होगी ना, है ना? तो फ्रिक्शन जब होगी तो जब उस क्या होगी, स्मूथ सरफेस है यानी फ्रिक्शन होगी। और अभी मैंने बताया कि जहाँ फ्रिक्शन वहाँ हीट, तो मतलब कि इसलिए जब आप माचिस को रगड़ते हैं तो उस पर क्या होती है, एकदम से आग पकड़ लेता है, हीट पकड़ लेता है ना, तो इसलिए वो फायर लग जाती है उसमें। तो यही रीज़न है कि जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और क्यों प्रोड्यूस करता है मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, नाउ अब आपने एक बार आपने वो भी देखा होगा, जार को ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यू कैन साइट वेरियस एग्जाम्पल्स इन विच फ्रैक्शन प्रोड्यूसेस हीट। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेट। अब आपने ये देखा होगा कि जब मशीन जो है, जब हम उसे ऑपरेट करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट मतलब एनर्जी लूज, और एनर्जी लूज मतलब फ्रैक्शन भी कम होना, मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन क्या है, बट एक्चुअल में हम फ्रिक्शन को बढ़ा और कम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब फ्रेंड और एविल बोथ है। तो हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रू, यानी जो आपके जूते हैं या कुछ भी है उनमें क्या हो, क्यों हो जाता है ख़राब, है ना? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, मतलब कि जो आपके ओके, तो मैं क्या पूछ रही थी आपसे, मैं ये पूछ रही थी कि वाई द सोल ऑफ योर शूज इज़ ग्रूट। सोल क्या होता है? सोल होता है कांटे, ठीक है, तो आपके शूज़ में जो मतलब कांटे टाइप होते हैं या टायर में, ये सब क्यों होते हैं? ताकि देखिए शूज़ में तो इसलिए होता है ताकि ग्रिप बनी रहे फ्लोर पे, ठीक है। अब जो मतलब एथलीट्स होते हैं जो रन करते हैं, उनके लिए शूज़ एक डिफरेंट टाइप के आते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि वो फ्लोर पे जो है ग्रिप बना ले इजीली, है ना, सो डैट यू कैन मूव सेफली और फास्टर, ठीक है। नाउ जो टायर्स होते हैं कार के, ट्रक के, बलडोजर्स के, वो भी क्या करते हैं, बेटर ग्रिप जो है प्रोवाइड करते हैं टू द ग्राउंड को, इसलिए जो है उनमें सोल्स जो है वो ट्रीट होती है, और सोल से क्या होती है, फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि वो ग्रिप अच्छा बनाएगी, और ग्रिप अच्छा बनाएगी यानी मोशन को अपोज कर रही है, मोशन नहीं होने दे रही है, फ्रिक्शन नहीं, वो फोर्स नहीं होने दे रही है, फोर्स नहीं यानी फ्रिक्शन, या ओके,
Now we deliberately increase friction by using a brake pads in a brake system of bicycles or automobiles. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब ब्रेक लगाते हैं यानी फोर्स नहीं है, मोशन नहीं है, और जहाँ मोशन नहीं वहाँ फ्रिक्शन है ना. तो बस यही चीज़ है कि हम फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो सोल से या ब्रेक से, इन सब से. और ब्रेक पैड्स को हम टच नहीं, डू नॉट टच द व्हील्स, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन. तो जैसे कि आप ब्रेक को दबाते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है, ब्रेक लेवर के जो दीज पैड्स हैं उनको जैसे आप दबाते हैं तो एकदम से मोशन हो जाता है. और उस क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसे रोक के रखा होता है, तो एकदम से वो तेजी से झटके मार के होती है. ठीक है, नाउ व्हील जो है वो अपना मोशन रोक देती है. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर जो है अपने हैंड्स को पहले क्या करते हैं, रब करते हैं ना, एंड देन मतलब किस में रब करते हैं, सॉइल में. नाउ अब कुछ लोग सोचते हैं ये ऐसे ही करते होंगे, अपनी मिट्टी से प्रेम होगा, है ना, डिफरेंटली थिंग्स ऑल. बट नो, इसके पीछे भी एक फिज़िक्स है. और वो क्या फिज़िक्स है, कि वो हमें बेटर ग्रिप देता है, मतलब कि जो भी हमारे हाथ में आएगा इजीली वो हाथ से पकड़ा जाएगा और छूटेगा नहीं. जैसे किसी के हाथ में पसीना आता है, किसी के हैंड्स मतलब वेट होते हैं, मतलब नॉर्मल भी जो हैंड्स होते हैं वो इतनी बेटर ग्रिप प्रोवाइड नहीं करते. बट अगर सॉइल हो जाए तो एकदम सूखी होती है मिट्टी टाइप, है ना, तो जैसे हम किसी को पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, एकदम बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब जिमनास्ट में जो है अब वो क्या करते हैं, कुछ कोर्स अपने हाथ पे सब टाइप का सब्सटेंस अपने हाथ पे लगाते हैं. क्यों? फॉर सेम रीज़न, बेटर ग्रिप के लिए. और इस जहाँ बेटर ग्रिप होगी मतलब वहाँ फोर्स और फ्रिक्शन मोशन कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होती है. ओके, नाउ अब हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम ना लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को. अभी तक तो हमने देखे इंक्रीज, जहाँ पे भी इंक्रीज था वहाँ पे क्या होती, बेटर ग्रिप हो रही थी, है ना. अब अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे. लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, मशीन में हम डालते हैं अब लुब्रिकेंट्स को, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो. अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया यानी कार तो फिर जो है वो चलने की नहीं आ गए, है ना, तो इसलिए हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं. नाउ व्हील जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. व्हील कैसे रिड्यूस करते हैं वो अभी हम देखेंगे. जैसे कि ये जो लगेज हम लेके जाते हैं, इसमें जो फ्रिक्शन मोशन इधर हो रहा होता है और फ्रिक्शन इधर हो रहा होता है, जो जहाँ मोशन है वहाँ फ्रिक्शन तो होगा बट ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा कम होगा. अब ऐसा क्यों होता है, इन सब के रीजंस आप धीरे धीरे 11th में आएंगे तब पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपका एक पूरा चैप्टर बनके दोबारा से आएगा 11th क्लास. ओके, नाउ व्हेन बॉडी जो है वो रोल करती है जब किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रैक्शन. जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पेंसिल रखनी है तीन. अब पेंसिल कैसी होती है, रोल, है ना. अब इस पे अगर बुक्स रख दो, बुक्स को जब हम आगे खिसकाएंगे तो क्या होगा, वो रोल करेगी इस ऐसे आगे, है ना, क्योंकि नीचे क्या रखी है, पेंसिल, जो कि रोलिंग मोशन कराएंगे. तो जब भी बॉडी जो है वो रोल करती है, डैट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है. ठीक है, क्योंकि उससे ईजियर रोल हो जाएगा, और ईजी मतलब कि मोशन ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन फिर कम होगी. ओके, तो इसलिए जैसे कि हमारे जो रोल, जब हमारा ये जो होता है लगेज, जब हम इसमें लेके जाते हैं अटैचेस में, तो इनमें क्या होता है, व्हील होता है. और वो जो व्हील हैं वो क्या होते हैं, वो इजीली रोल हो जाते हैं, और मतलब रोलिंग फ्रिक्शन ही करते हैं. अब रोलिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो सेम रीज़न यहाँ पे है कि हम व्हील्स क्यों यूज़ करते हैं. ओके, नाउ अब हमारा है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो छोटा होता है स्लाइडिंग से, मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो बड़ा होता है और रोलिंग छोटा होता है, है ना, रोलिंग छोटा होता है. अब स्लाइडिंग और रोलिंग ऐसा क्यों कि स्लाइडिंग बड़ा और रोलिंग छोटा है, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब जैसे पहाड़ी ले लीजिए या कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, ग्रास हाईवे ले लीजिए, जो ऐसा होता है. अब अगर आपकी गाड़ी यहाँ है तो आप यहाँ से ईजिली रोल हो जाएंगे, है ना. तो और अगर आपकी बॉडी यहाँ पे है और यहाँ से आप जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब भी स्लाइडिंग होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, वो भी एक तरीके का रिड्यूस करने के लिए, बट इतना नहीं. ओके, ना अब हम देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, हम उसको अच्छे से रीड करेंगे. ओके, सो यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन. आपको जैसे पता ही होगा कि एयर जो है वो बहुत लाइट होती है और थिन होती है. ठीक है, तो जो एयर है वो बहुत ही लाइट होती है और थिन होती है, बट फिर भी वो क्या करती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है,
अब वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एग्जर्ट करते हैं आपको पता है, एयर में कौन होता है, मतलब मेनली एरोप्लेन्स हो गए हमारे, बर्ड्स वगैरह हो गए है ना, तो उन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमारा वाटर हो गया या लिक्विड्स हो गया, वो क्या करते हैं फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं एग्जर्ट करते हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन साइंस जो कॉमन नेम है गैसेस का एंड लिक्विड्स का, वो क्या है कि जो कॉमन नेम है ना हमारे, मतलब गैसेस का और लिक्विड्स का, वो क्या है, फ्लूइड्स इन साइंस में, ओके। तो वी कैन से दैट फ्लूइड्स जो है वो क्या एग्जर्ट करते हैं, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कब, ऑन ऑब्जेक्ट्स जब वो मोशन में होते हैं, ठीक है। तो अब हम ना मेन चीज़ समझेंगे पहले ड्रैग क्या होता है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्स जो एग्जर्ट करते हैं फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कौन, हमारे गैसेस और लिक्विड्स, अभी हमने पढ़ा है ना। तो गैसेस और लिक्विड्स जब फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो ऑब्जेक्ट की ऑन फ्लूइड पे, वो कैसे डिपेंड करती है, वो स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, मतलब उस जो फ्लूइड हमारा है उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, वो शेप पे डिपेंड करती है और आपके फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पे, एक नेचर पे और एक शेप पे, ठीक है। अब इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। आपको ये तो पता ही होगा, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब वो मूव करेंगे, ठीक है, तो या तो गैस होंगे या तो लिक्विड के थ्रू मूव करेंगे, है ना, यानी फ्लूइड्स के थ्रू मूव करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उन पर कहीं ना कहीं से फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन उन पर एक्ट करेगी तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वो एनर्जी अपनी लूज करेंगे एंड एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ये एनर्जी जब लूज होगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी भी लूज हो रही है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। सो जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पेशल शेप जो है वो कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ लोगों ने इसलिए दी है, क्यों, क्योंकि जिससे फ्रिक्शन जो है वो कम लगे उन पर, ठीक है। अब कैसी शेप्स वो हम समझेंगे, जैसे कि फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स जो हमारे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। जैसे आपको पता है कि जो हमारी बर्ड्स हैं वो कहाँ मूव करती है, वो एयर में, है ना। फ्लूइड्स मैंने अभी आपको बताया गैसेस और लिक्विड्स हमारे फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स कहाँ होती है, गैस में यानी एयर्स में, और फिशेस कहाँ, वाटर जो कि एक लिक्विड है। तो जो हमारे बर्ड्स और फिशेस हैं ये ऑल टाइम कहाँ रहते हैं, फ्लूइड्स में रहते हैं। तो इनके बॉडीज़ जो हैं वो मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम टू नॉट टू लूज ए मच एनर्जी। तो उनकी बॉडीज़ जो हैं उनकी कुछ शेप इस तरीके से होनी चाहिए जिससे वो क्या करें, वो अपनी एनर्जी लूज ना करें, क्यों, क्योंकि जैसे उन्होंने एनर्जी लूज कर दी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम, और वो क्या करेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो एरोप्लेन है उसकी भी शेप इन्होंने कुछ ऐसी ही बनाई है जिससे कि जो हमारा, देखिए आपको एक सिमिलारिटी दिख रही होगी एक बर्ड में और एक एरोप्लेन में, क्या कि इनके जो ये फेदर्स है देखिए वो कुछ इस तरीके से है ना बर्ड्स के, और एरोप्लेन के क्या इस तरीके से, और यहाँ पे उठा हुआ है। तो ये जो उठा के रखते हैं वो ये किस तरह लिए हैं, ताकि जो इनकी एनर्जी है वो लूज ना हो और फ्रिक्शन क्या है वो कम ना हो, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, फ्लूइड फ्रिक्शन, तो वो क्या करेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलैरिटी इनकी शेप्स में होती है। तो यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, और मेरी आईडी है @sneha20056, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ मैसेज में, और यहाँ पे कमेंट्स में तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।